ऑलराइट मेरे जिगर के चल लो, आज तुम्हारा भाई बहुत दिनों बाद में एक नया वीडियो लेके आया। तो ये आप ये देख लूँगा ये कौन है भैया, अपने ये फैमिली वाले जो अपने नए वाले मकान में विजिट करने आए थे, और पास में एक सरप्राइज प्रोग्राम भी था क्योंकि आज था जीजा जी का बर्थडे। तो जीजा जी खाने के लिए सबको आउटिंग मरवा रहे थे, तो हमने बोला क्यों ना भाई हमारे इधर आ जाओ, घर का घर देख लेंगे और पास में बढ़िया खाना खाएंगे। तो लो भैया हम निकल गए दोनों गाड़ियों से, और ये देखो हमारे साथ ही ढूंढ रहे कि कौन से ढाबे पे खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर के पास में बहुत सारे ढाबे को ऑप्शन खुल गए। हाथ जोड़ के मेरे से निवेदन कर रहा है भैया इधर चलना है, हनुमान ढाबा ये ढाबा वो ढाबा, और भैया बहुत सारे ढाबों के बीच में कोई नया पुराना ओरिजिनल खंडेलवाल ओरिजिनल खंडेलवाल पुराना खंडेलवाल, तो मतलब इतने सब में हमने सोचा कि यार चलो भैया कोई अच्छे साफ सुथरे चलते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का खंडेलवाल ढाबा वाला था जिसमें ऑरेंज कलर का ड्रेस कोड था, तो ये साफ सुथरा था, बाहर बैठने की जगह थी, और ये मुड्डे वुड्डे बैठने में थोड़ी फीलिंग आती। तो भैया लगवाई अपने डबल टेबल्स और भैया पूरे परिवार के साथ लपक पड़े। अब सबसे पहले जब परिवार वालों के साथ में खाना खाने जाते हैं तो ये ऑप्शन खाना क्या मंगाना है, जो खाना ऑर्डर देता है वो भैया महंगे आइटम देखता है, और जो खाना का पे करेगा वो भाई कैलकुलेशन लगाया कि यार हमारे को नहीं देखना था, ये बालकों के हाथ में सब दे दिया जिसको जो खाना है खाओ, क्योंकि घूम घाम के आने पनीर वनीर थे। और चलो उससे पहले हमने सोचा भैया केक काट लेते, ये अपन जीजा जी के लिए केक लाए थे बढ़िया, नाम लिखवा दे सेठ जी जीजा जी आजकल हो रहे बिजनेसमैन गोरे चिट्टे। तो ये सेठ सेठानी मेरे भाई और जीजा जी और मेरी बहन है, और ये इनका बालक जीनू। तो भैया इन्हें केक वेक काट कूट के तब तक खाना नहीं आया क्योंकि भाई भूख लगी थी गजब वाली, 9:30 से ऊपर टाइम हो गया था, और यहाँ होता है ना कि भैया जहाँ पर पहुँचते हैं और फिर खाना नहीं आता तो और ज़्यादा भूख बढ़ती है। तो हम सोचते जब तक केक ही काट लेते, और भैया लंबा लंबा बड़े बड़े पीस आए हाथ में क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में केक लपेट में आए, घर केक को छोड़ते हैं अब सोचते हैं भाई कुछ तो आए। और ये लो भाई पहली सिग्नेचर डिश तो रहे भाई, ये क्या था, ये इनके स्टाफ की तरफ से इन्होंने हमारे को सजेस्ट करा था, तो ये था कुछ पनीर बुखारा करके भाई। लेकिन ये जिस तरह से आया ना हाथ में खुश हो गए यार, ये तो हम तो पहले मना कर देता भाई ये सिजलर हमारा ऑर्डर नहीं है, लेकिन देखा तो पनीर था। खैर पनीर एक पनीर नहीं था, उसके बाद फिर हमने ऑर्डर करा दूसरा, ये आ गए भैया पालक पनीर, और इनके साथ में आ गए ये लच्छे वाले परांठे नान और सादा रोटी। अब शुरू करते हैं भाई, आए हाय ये बुखार वाली जो सब्जी थी ना भाई क्या पेलम थी ना, मतलब जाम फाड़ मजा आ गया यार, कसम से गजब मजा आ गया, और मेरी आत्मा दुख गई। और मैंने ये मारा ना बाइट, मेरा जी जानता भाई 10 बजे जो खाना खाने का मौका सौभाग्य मिला, उसके बाद में पुलाव, उसके बाद नान, उसके बाद में क्या क्या आने लगा। अब यार थोड़ा ये तो उनका ये था कि इन्होंने दाल वाल जो दी ना भाई, सच में यार भाई दिल में गार्डन गार्डन हो गया यार, ये दाल जितनी अच्छी दिख रही थी ना ये दाल सच में उतनी टेस्टी थी, थोड़ा इसमें एसेंस आ रहा था लहसुन वसन का, लेकिन तड़के वाली ज़बरदस्त। और फिर एंड में आ गया यार रायता, आए हाय मेरी जान की कसम स्वाद ही बना दी, इतना रंग बिरंगा खाना, इतनी रंग बिरंगी थाली, बढ़िया हल्की हल्की ठंड, बाहर बैठ गया लपक के यार। लेकिन क्या होता कि आदमी है ना साला इतना सारा खाना देख के है ना इसने जी जी वो हो जाता है, अपन तो यार बहुत सोचा था लेकिन कम खा पाएगा। और फिर बाद में फाइनल देखा ये देखो भाई 1300, मतलब इतना सस्ते में आए है कुछ नहीं था। लास्ट में खाई आइसक्रीम, सबको करा टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।